नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और गहराया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प, भारतीय सेना का अफसर और दो जवान शहीद। तो वहीं हिंसक झड़प में चीन के 5 सैनिकों की भी हुई मौत। चीन ने इस हालात को शांत करने के लिए बैठक करने की कही बात। एलएसी पर हिंसक झड़प के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ने ली बैठक। सीडीएस के सहित तीनों सेना अध्यक्षों के साथ किया मंथन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर। हिजबुल के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में किया ढेर। शोपियां में पिछले 10 दिन में 17 आतंकी मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गठघड़े में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की दी हिदायत। अब व्हाट्सएप के जरिए पैसा भेजना होगा फोटो भेजने जितना आसान। ब्राजील में व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया पेमेंट फीचर। क्लियरेंस न मिलने की वजह से व्हाट्सएप पे भारत में अब तक नहीं हुआ ऑफिशियल। ऑस्कर अवार्ड्स पर भी पड़ा कोरोना वायरस का असर। ऑस्कर सेरेमनी को फरवरी से अप्रैल तक के लिए किया शिफ्ट। अब 25 अप्रैल 2021 को होगी आयोजित। कब थमेगी कोरोना महामारी? दुनिया भर में मरीजों की संख्या हुई 81 लाख के पार, तो 4,36,000 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। 42 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा। 3,43,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 9,900 मरीजों की मौत, तो 1,80,000 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ता ग्राफ। आज 115 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,000 के पार, तो कोरोना से अब तक 302 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर चर्चा, तो अन्य मुख्यमंत्रियों से बुधवार को करेंगे संवाद। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग। सोनिया गांधी ने लिखा, सरकार का फर्ज बनता है लोगों के संकट को दूर करें। प्रियंका गांधी ने किया यूपी सरकार पर वार। पशुपालन विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उत्तर प्रदेश सचिवालय। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में कराया भर्ती। कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली से सामने आया हैरतअंगेज मामला। क्वारंटीन महिला डॉक्टर के घर के दरवाजे रस्सी से बांधे। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने कहा, डीएम का था आदेश। डीसीपी बोले, इसे हटवाकर ठीक करवाएंगे और टेप लगवाएंगे। यूपी में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी को नोटिस जारी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया कंपनी को नोटिस। कंपनी के 88 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कंपनी पर लॉकडाउन की गाइडलाइन को दरकिनार करने का आरोप। यूपी के लखनऊ वीवीआईपी गेस्ट हाउस की दीवार पर लगाए गए विवादित पोस्टर। सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर लगाए पोस्टर। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी रोडवेज बस। हादसे में परिचालक की मौत, चालक सहित 8 घायल। यूपी में मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाश इरफान पर हत्या का आरोप। युवक की पिटाई के बाद गला दबाकर की हत्या। ग्रामीणों ने शव को खेत में रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद। सट्टे का विरोध करने पर अधिवक्ता को मारी गोली। पथराव कर 3 लोगों को किया घायल। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ 1 बाइक जब्त। दूधवा टाइगर रिजर्व के मलानी रेंज जंगल में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जंगल के किनारे लगी घास फूस जलकर हुई नष्ट। तेल कंपनियों ने की हवाई ईंधन की कीमत में 16% की बढ़त। इससे पहले 1 जून को की गई थी 56.5% की बढ़त। हवाई ईंधन की कीमत पर हुई बढ़त से बढ़ सकता है फ्लाइट किराया। पेट्रोल और डीजल के भाव में उबाल। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 10वें दिन तेजी। पेट्रोल में प्रति लीटर 50 पैसे की वृद्धि। पेट्रोल 83.63 रुपए प्रति लीटर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके। श्रीनगर, डोला और किश्तवाड़ जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके। दुशांबे बताया जा रहा भूकंप का केंद्र।
भारतीय रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 360 करोड़ का मिला रेवेन्यू। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का औसत किराया 600 रुपए प्रति यात्री। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोले, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का 15% खर्च किया रिकवर। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक्टर विवेक ओबरॉय ने ट्विटर पर लिखा ओपन लेटर। विवेक का ट्वीट हो रहा वायरल। उन्होंने लिखा, काश मैं उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर पाता और उसके दर्द को कम करने में मदद कर पाता। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्तों को ट्रोल करने वालों पर भड़की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता। फटकार लगाते हुए एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को जहरीला तक कह डाला। कोरोना रिकवरी रेट को लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट, कहा राजस्थान में रिकवरी रेट 75%, ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक, हम ज्यादा टेस्टिंग पर कर रहे हैं फोकस। कोरोना महामारी को लेकर सीएम गहलोत गंभीर, सीएमआरएमवीसी के जरिए की कलेक्टर्स और एसपी से बात, कोरोना के हालातों और जन जागरण अभियान को लेकर की चर्चा। राज्यसभा चुनाव के रण में होटल जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले का हुआ सेशन, सेशन में कांग्रेस निर्दलीय सहित बीटीपी के विधायक रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव के रण में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में बीजेपी और आरएलपी के 58 विधायक हुए शामिल। बीजेपी के 15 विधायक और आरएलपी के 2 विधायक नहीं रहे मौजूद। प्रदेश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते बंद कॉलेज विश्वविद्यालय खुले, छात्र छात्राओं को नहीं कॉलेज आने की इजाजत। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को अनुमति, घर बैठे ही ई कंटेंट करवाया जाएगा उपलब्ध। चूरू के सादुलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोकवा गांव के युवक ने बनाई ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। मशीन को बिना छुए व्यक्ति अपने हाथों को कर सकेगा सैनिटाइज। ये मशीन शादी समारोह और बड़े आयोजन में होगी कारगर साबित। नागौर के कुचामन सिटी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का बढ़ता ग्राफ, एक महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महिला की मां की हो चुकी है कोरोना से मौत। धौलपुर जिले में कोरोना का बढ़ता जा रहा कहर, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले एक हफ्ते से कोरोना रोगियों की संख्या में हो रहा इजाफा। कोटा एसीबी की टीम ने 12 के शाहबाद में की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने 3 रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा। वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक को किया ट्रैप। वहीं 13,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। छात्रावास के अटके बिल को पास कराने के लिए ली थी घूस। कोटा एसीबी की टीम ने 12 के शाहबाद में की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने 3 रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा। वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक को किया ट्रैप। वहीं 13,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। छात्रावास के अटके बिल को पास करने के लिए ली थी घूस। जैसलमेर के नाशा में बिजली बिल के निस्तारण की एवज में घूस का मामला। एआरओ और लाइनमैन के साथ जेएन भी शामिल। एसीबी ने जेएन के घर पर दी दबिश। एसीबी की दबिश की भनक लगते ही आरोपी फरार। यूपी सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी गौ हत्या को लेकर विधेयक लाने की मांग जारी। 12 जिले में गौ भक्तों ने राज्य सरकार और गौपालन मंत्री से की विधेयक लाने की मांग। कहा, राजस्थान में भी गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। भीलवाड़ा में प्रेस क्लब ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन, फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने की मांग। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने बताया, समाचार पत्रों से ताल्लुक नहीं रखने वाले व्यक्ति भी कर रहे हैं प्रेस शब्द का उपयोग। श्रीगंगानगर के घरसाना में माकपा ने एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कृषि उपभोक्ताओं के बिजली माफी सहित अन्य मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आम जनता पर पड़ रहा भार। करौली के मंडरायल कस्बे में लोगों ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में आम आदमी पार्टी ने की बिजली बिल माफ करने की मांग, गांधी भवन चौराहे पर किया प्रदर्शन। सीकर के दांतारामगढ़ में पैसे नहीं मिलने पर लेकर मनरेगा श्रमिकों ने जताया विरोध। जांच करने पहुंचे विकास अधिकारी की गाड़ी का किया घेराव। श्रमिकों ने मेहनत का पूरा पैसा नहीं देने का लगाया आरोप। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे सहित गांव में फिर टिड्डी दल की दस्तक। टिड्डी के आतंक से परेशान है किसान। किसान कर रहे टिड्डियों को भगाने का जतन। जयपुर के बस्ती के कानेटिक क्षेत्र में प्रशासन की पहल के बाद मनरेगा कार्य की हुई शुरुआत। आपको बता दें कि बोरा की ढाणी में अतिक्रमण के चलते सड़क निर्माण कार्य को कर दिया था अवरुद्ध।
भरतपुर के बयाना में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। कस्बे की 5 कॉलोनियों में 7 नए ट्रांसफार्मर लगवाए। गर्मी में फॉल्ट और कम वोल्टेज की समस्या से मिलेगा छुटकारा। प्रतापगढ़ के अरनोद में चोरों के हौसले बुलंद। थाने से कुछ ही दूरी पर एटीएम तोड़ने का प्रयास। एटीएम के सुरक्षाकर्मी की सूझबूझ से टली वारदात। अलवर के थानागाजी में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। दुकानों से नकदी और सामान की अपार चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश। जैसलमेर के नाशा में पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस ने जताई चोरी की कई वारदातों के खुलासे की संभावना। नाचना पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सफेदा फार्म हाउस के पास सुनसान मकान में मिला युवक का शव। सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस पहुंची। मौके पर हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। चूरू के तारानगर में किराना की दुकान में लगी आग। दुकान मालिक का लाखों का सामान जलकर राख। आग से दुकान की टूटी पट्टियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।